बलरामपुर के कस्बा स्वार में कोरोना वायरस COVID-19 की महामारी के चलते आज नवनियुक्त प्रशिक्षु IPS अधिकारी सत्यजीत गुप्ता, SDM राकेश कुमार गुप्ता, कोतवाल रूम सिंह बघेल की संयुक्त टीम ने थाना परिसर में आज अलविदा जुम्मा ईद की नमाज को लेकर एक शांति मीटिंग का आयोजन किया। मीटिंग में निर्णय लिया गया कि ईद की नमाज ईदगाह में 5 लोगों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के चलते व अलविदा जुम्मा की नमाज मस्जिद में 5 लोगों के बीच पढ़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई फेरबदल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि ईद का त्यौहार घरों में रहकर शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं। आपकी सुरक्षा में सबकी सुरक्षा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें, आवश्यक कार्य से ही बाहर निकलें, समय समय पर हाथ धोते रहें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। कोरोना वायरस को अगर जड़ से मिटाना है तो केंद्र व प्रदेश की सरकार की गाइडलाइन का पालन करें और सुरक्षित रहें। रामपुर से फिरोज खान की रिपोर्ट। इससे कई कठिनाइयां भी आई हैं, कई लोग कई दिनों से घर के अंदर लॉकडाउन में पड़े हुए हैं, कई लोग दूसरे प्रांत में हैं, वो लोग अपने घर वापस नहीं आ पा रहे हैं, कई लोग जिनकी रोजी रोटी है, जिनका दिन में रोजी रोटी कमा के शाम को खाना होता है, उनकी रोजी रोटी बंद हो चुकी है। बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों के समय पूरा विश्व गुजर रहा है।